बढ़ता हुआ और निश्चित तौर पर जो दो चरणों में नजर आया है ऐसा लगता है कि इस बार कम से कम फर्स्ट डिवीजन जब तक ये सिलसिला चलेगा मतदान का ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश में अब तक बात कर ली जाए 14% से ऊपर मतदान हो चुका है, छत्तीसगढ़ में 13% से ऊपर वोटिंग हो चुकी है और लगातार हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जानकारी की खिड़की आपके सामने खुल चुकी है, बड़े चेहरे कौन है, कहां कितने उम्मीदवार है और 11 राज्यों की 93 सीटों पर वोटिंग। बैतूल एक अलग केस था, बैतूल में भी आज वोटिंग हो रही है, मध्य प्रदेश के बैतूल में। छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग और छत्तीसगढ़ का जनादेश एक तरह से आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और इसके बाद इंतजार होगा क्या कुछ 4 तारीख को जनता ने अपना फैसला सुनाया है। इन सबके बीच हर अपडेट न्यूज 18 आप तक पहुंचा रहा है। बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, सतीश अहलिया साहब बने हुए हैं, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हमारे साथ बने हुए हैं, सत्य प्रकाश जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, सवाल जवाब के सिलसिले भी हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं और इन सबके बीच ये अपडेट आपको बता दें, मतदान का परसेंटेज अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी आ रही हैं और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे हैं मतदान करने के बाद, उन्होंने वोट कास्ट करने के बाद लाइन में लगकर वोट कास्ट किया और उसके बाद अपनी अंगुली भी दिखाई, मतदान के लिए प्रेरित भी किया। एक तरफ सुप्रिया सुले का आप चेहरा देख रहे हैं, वैनी बनाम दीदी, वैनी मराठी में भाभी के लिए कहा जाता है, वहनी शब्द से बना हुआ है, बहुत दिलचस्प है। सुप्रिया सुले बारामती, बहुत दिलचस्प ये चुनाव है। मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, एक पूर्व मुख्यमंत्री उनका राजनीतिक अस्तित्व क्या होगा और एक पूर्व मुख्यमंत्री उनकी राजनीतिक दिशा क्या होगी, ये चुनाव इस बार तय करेंगे। बिल्कुल, और ऐसे में नरोत्तम मिश्रा की तस्वीर हम देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर और बात अगर करें तीसरे चरण की तो तीसरा चरण बहुत ज्यादा खास हो जाता है, कई बड़े दिग्गज चेहरों की साख दांव पर है। तीसरे चरण में अगर हम 2014 और 19 को भी देखें तो वोट प्रतिशत 2014 के मुकाबले 2019 में जो है बढ़ा है, लेकिन अभी 2024 का इंतजार है कि वोट परसेंटेज क्या होगा। ललित की ओर मैं रुक करूंगी, ललित वोट परसेंटेज अब तक के कितने हैं, दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल, और सीधे अब ग्वालियर के किले पर मैं ले आया हूं, ग्वालियर यानी महल, महल यानी मध्य प्रदेश की राजनीति पे इसके प्रभाव को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैं इस वक्त उस सिंबॉलिक महल पर खड़ा हुआ हूं और आज महल का प्रभाव जिन सीटों पर रहता है उन सीटों पर भी चुनाव है, लेकिन इस वक्त हम बात कर लेंगे वोटिंग परसेंटेज किस तरीके से हो चला है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह के वोटिंग परसेंटेज की बात यह देखिए, इसकी दिव्यता और भव्यता देखिए, यही इसकी दिव्यता और भव्यता मध्य प्रदेश की राजनीति में है। और ये देखिए वोटिंग परसेंटेज आपकी स्क्रीन पर इस अलग अंदाज में, 9 बजे तक की बात कर ली जाए, बैतूल में 15.97 तकरीबन 16% वोटिंग इसे कह सकते हैं, भिंड में 12.23% वोटिंग अब तक हो चुकी है, तेजी से वोट परसेंट बढ़ रहा है लेकिन और ज्यादा तेजी से बढ़ाए जाने की जरूरत है। सूरज की तपिश से मत डरिए, सूरज की तपिश से 9 बजे तक वोटिंग। भोपाल की बात कर ली जाए 13.61% अब तक वोटिंग हुई है और गुना की बात कर ली जाए 16% से ज्यादा वोटिंग यहां पर हो चुकी है। गुना हॉट सीट जिसका हम जिक्र करते हैं, चंबल अंचल जो वैसे ही अपनी तासीर में हॉट है और मौसम के तौर पर भी, सूरज के तौर पर भी हॉट है। ग्वालियर की बात कर ली जाए 11% से ऊपर वोटिंग जा चुकी है, मुरैना में 12.43% वोटिंग अब तक हो चुकी है। ये अलग अलग जगहों के वोटिंग परसेंट, 9 बजे तक के ये वोटिंग परसेंटेज है और धीरे धीरे ये आंकड़ा और बढ़ेगा ऐसी उम्मीद सभी को है, राजनीतिक दलों को है, आयोग को है, हर पार्टी को है। 9 बजे तक की बात कर ली जाए, राजगढ़ 16.57% वोटिंग यहां पर हुई है, सागर में 14.58% वोटिंग अब तक हो चुकी है। सीधे आपको अपडेट ग्वालियर के इस महल से, सिंबॉलिक महल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 9 बजे तक विदिशा की बात कर ली जाए, बहुत अद्भुत सीट है विदिशा, 15.85% वोटिंग। सागर की बात कर ली जाए 14.58% वोटिंग अब तक हो चुकी है। अलग अलग जगहों के वोटिंग परसेंटेज है, 9 बजे तक का यह आंकड़ा है, यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा ऐसी सभी को उम्मीद। छत्तीसगढ़ की अब बात कर ली जाए 9 बजे तक, बिलासपुर 10.38 और दुर्ग 13.96%। हमने शुरुआत में आपको बताया है बस्तर से लेकर और अब तक का घटनाक्रम देख लीजिए किस तरीके से रूरल वोटर निकलकर सबसे पहले वोट करता है, पर अर्बन वोटर को निकालना बड़ी चुनौती। जांजगीर की बात कर ली जाए 12.85% वोटिंग यहां पर अब तक हुई है, कोरबा 15.54% वोटिंग हुई है, कोरबा का भी ये वोटिंग परसेंटेज 9 बजे तक के ये है, धीरे धीरे आंकड़ा और बढ़ेगा, अपडेट हम आपको करते रहेंगे। रायगढ़ की बात कर ली जाए 18% से
ज्यादा वोटिंग 18.05% यहाँ वोटिंग हुई है। और रायपुर की बात कर ली जाए, रायपुर की रफ्तार बहुत कम 9.78। रायपुर में चर्चाएं दरअसल जीत की और लीड की दोनों तरीके से चल रही है। 9 बजे तक की वोटिंग के आंकड़े लगातार हम आपको बता रहे हैं, उसके साथ दिलचस्प किस्से और मेहमान भी बने हुए हैं। सरगुजा की बात कर ली जाए 13.80%। रायपुर का आंकड़ा जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, रायपुर की रफ्तार थोड़ी धीमी है और आगे ही चलेगी। बेहद खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सतीश अहलिया साहब बने हुए, राजपाल सिंह सिसोदिया साहब बने हुए, सत्यप्रकाश जी बने हुए हैं। और पहले अभी जैसे अंशिका जिक्र कर रही थी कि पहले चरण के जो आंकड़े रहे हैं, आज के जो आंकड़े रहे, सिसोदिया साहब की साज सज्जा सजावट और कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि हाँ राजनीतिक दल भी खुश हैं। सिसोदिया साहब वोटिंग लगातार बढ़ रही है, वोटिंग के साथ साथ आपकी मुस्कुराहट भी बढ़ रही है, इस बार ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। निश्चित तौर पर पहले दूसरे तीसरे तीनों चरण में ठीक है और आगे भी ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश तो आज 13 तारीख को चौथे चरण में पूर्ण हो जाएगा, एक चरण और मध्य प्रदेश के लिए रहने वाला है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता जो मतदान केंद्र पे काम कर रहे हैं उनके दम पे है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता के बीच में जो विश्वास अर्जित हुआ उसमें और नेतृत्व के द्वारा जो काम किया जा रहा है, विशेष करके सरकारों के द्वारा, डबल इंजन की सरकार है, मोहन यादव जी प्रदेश में, सांसदों ने काम किया होता तो रोडमल लाकर मोदी जी के नाम पे क्यों वोट मांगते, क्यों नहीं मांगना चाहिए? सांसद अगर कोई काम कर रहा है तो मोदी जी के बिहाफ पे तो काम कर रहा है। केंद्र कह रहे हैं कि आपने मुझे इतना मौका दिया, एक बार और मोदी जी को मौका दे दो, ये उनका ही बयान है सिसोदिया साहब। निश्चित तौर पर सांसद जब रोडमल नागर बनेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे ना, तो इनडायरेक्ट तो वोट मोदी जी को ही है। तो निश्चित तौर पर आज हम बड़े गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हम ये इस स्थिति में है कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा देश को बताकर वोट मांग रहे हैं जी। आईएनटी गठबंधन की क्या स्थिति बता दे जरा, उनके पास तो चेहरा भी नहीं है, उनके वो किसके नाम पे वोट मांग रहे उनको पता नहीं है, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की बातें हो रही है, वो एक नहीं है। और यहाँ एकता के साथ में पूरा एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, चाहे मतदान केंद्र का अध्यक्ष हो चाहे लोकसभा के प्रत्याशी हो, हर व्यक्ति यही बात कह रहा है कि आपका वोट मोदी जी को जाएगा। एकता की बात क्योंकि उठ रही है, तो यहाँ सत्यप्रकाश जी हमेशा कांग्रेस पर यही आरोप लगता है कि आप एकजुट नहीं है, पार्टी में ही फूट है। देखिए अंशिका जी, अगर एकजुट की मैं बात करूं तो ये सबसे पहले तो जो ललित जी ने सवाल किया चेहरा, देखिए ये चेहरे की बात करते हैं, यही मैं बोल रहा हूँ, इस बार के चुनाव क्यों अलग है। एक तरफ ये चुनाव लड़ रहे हैं कि एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना है, एक व्यक्ति को वहां पे पहुंचाना है, और एक तरफ हम चुनाव लड़ रहे हैं जो गरीब की सरकार बनाए, ताकि आदिवासियों की सरकार बनाए, महिला सुरक्षा के लिए सरकार बनाए, युवाओं को रोजगार के लिए सरकार बनाए, महंगाई कम करने के लिए सरकार बनाए, ये फर्क है। यहां पे एक व्यक्ति महिमा मंडल है और दूसरी तरफ जनता के लिए सरकार बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए यही मैं फर्क बता रहा हूं। और देखिए अंदरूनी कल एक बात करो, अरे भाई साहब हम एकजुटता के साथ लड़े तभी, देखिए हम एक गठबंधन की बात करो, सिर्फ 25 राजनीतिक दल है और इनमें 38 राजनीतिक दल है, हम एकजुट है, एकजुट है तभी तो इनमें इतनी चिंता है ना। आप पहले दूसरे चरण की बात कर लीजिए, कैसे इनके सुरताल बदल गए, इनकी भाषाएं बदल गई है, कहां मटन मछली और मंगलसूत्र कहां कहां की बातें ले आए, और हम एक जो चुनाव लड़ रहे हैं एकजुटता के साथ लड़ रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण जनता हमारे साथ चुनाव लड़ रही है, जनता हमारे साथ खड़ी है, जनता को जो 10 साल का विश्वासघात मिला है, जो 10 साल में जो जुमलेबाजी मिली है, 10 साल में जो महंगाई मिली है, जो रोजगार नहीं मिला है, जो किसानों की आय दुगनी की बात हुई थी वो नहीं हुआ है, तो जनता जो वो बहुत मजबूती के साथ हमारे साथ खड़ी है, विपक्ष के साथ खड़ी है, और ये चीज इनको भी मालूम है, अंदरूनी तौर पर इनको भी मालूम है कि हालात क्या है, तभी नजरअंदाज नहीं कर सकते। अर्बन एरिया में राम मंदिर बड़ा मसला बना हुआ है सत्यप्रकाश जी। देखिए ललित जी, आपने महतारी वंदन की बात की, महतारी वंदन में इन्होंने क्या बोला, हम सभी को देंगे, उसका क्लॉज लगा, और उसके बावजूद भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको महतारी वंदन का लाभ नहीं मिला। ललित जी देखिए, महतारी वंदन जैसी योजना का लाभ कौन लेना चाहता है? मजदूर वर्ग की महिला लेना चाहती है, आदिवासी वर्ग की महिला लेना चाहती है, गरीब वर्ग की महिला लेना चाहती है। आप बस्तर क्षेत्र के जैसे अंदरूनी क्षेत्रों में चली जाइए, महिलाएं आज भी पूछ रही है कि हमको क्यों नहीं मिल रहा है, गरीब महिला आज भी पूछ रहे हमको क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये महतारी वंदन में छला गया, संविधान हमको हक देता है 18 साल में शादी की उम्र की, और आप 21 साल लगा देते। आपने मगर विधानसभा चुनाव जो प्रचार चलता था आपने ये बात बोली नहीं, तो बहुत सारी महिलाएं वंचित है, उनको ये लगा है कि भाई इन्होंने सिर्फ छल दिया हमको, वोट तो हमने दे दिया, वोट तो भाई महतारी वंदन में योजना को देखते बहुत सारी महिलाएं ने दिया, मगर मिला किनको, ये महत्वपूर्ण बात है ना। 3 महीने के अंदर इनको समझ में आ गया कि हमारे साथ छल हुआ है। और आप देखिए, यही मैं बोला, मोदी जी का चेहरा यही चेहरा तो है जो जनता देख रही है पिछले 10 साल में
कि इस चेहरे ने आपको कैसे ठगा है, सिर्फ और सिर्फ एक बोलते ना एक्टिंग कर करके, एक लोग भी बीच में एक माहौल बना बना के प्रोपोगेंडा सेट कर करके हर बार वोट ले लिया। कल एक मेट्रो सिटी के अर्बन एरिया में सब्जी बेचने वाली बुजुर्ग महिला, मार्के की बात उसने ये कही कि नहीं नहीं करीब करीब 8,000 रुपए देने की बात करते हैं। सवाल यह है कि हम छत्तीसगढ़ या बस्तर या बस्तर के सुदूर इलाके या फिर रायगढ़ का सुदूर इलाका या कोरबा के सुदूर इलाके, वहां सब्जी बेच रही बुजुर्ग महिला 1,000 रुपए की बात तो करती है, वो 8,000 की बात करती क्यों नहीं? ये किसका फेलुअर है? मैं आऊंगा आपके पास, अंशिका के भी सवाल रहेंगे, लेकिन एक सवाल सतीश सर आपसे, बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे और बड़क बहुत करीने से कहीं गायब कर दिए गए और दोनों की तरफ से गायब किए गए। सतीश सर देखिए, एक तो दो तरह के चुनाव होते हैं। सतीश सर मैं रोक रहा हूं आपको, एक एक रिएक्शन ले लेते हैं और फिर मैं आपके पास आऊंगा इस जवाब के लिए, प्लीज एक रिएक्शन सुनवाते हैं। क्या लगता है मोदी की गारंटी का जादू चलेगा? मोदी का पूरा देश में जादू चल रहा है। मोदी ने जो गारंटी दिया था उस सभी वादों को उन्होंने पूरा किया है, बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसला भी लिया है। और विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, विष्णुदेव मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने मोदी के गारंटी को 3 महीना में ही बड़े बड़े वादों को पूरा किया है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता को, देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास बढ़ी है। जी वोटरों से क्या अपील करेंगे? वोटरों से हम वही अपील करेंगे कि अपना मताधिकार का पूर्ण रूप से उपयोग करें, कोई भी वोट डालने से ना छूटे, सब लोग जाकर अपने अपने मतदान केंद्र पर 100% मतदान करें, ऐसा हम मतदाता भाई बहनों से निवेदन करते हैं। ये लखनलाल देवांगन जी है जो अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। क्या लग रहा है आपको, महिलाओं का जो भरोसा दिख रहा है भाजपा की ओर कन्वर्ट होगा? हाँ होगा भैया, होगा जरूर होगा। महतारी वंदन योजना का लाभ मिला है बोलते हैं, 400 पार और फिर मोदी सरकार। कांग्रेस कह रही है कि कई सीटों पर टक्कर है ग्वालियर संभल अंचल की, देश में मध्य प्रदेश में भी कई जगह मुकाबला है, वो जन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। ये कांग्रेस 4 जून को सवेरे 9 बजे तक दावे करती रहेगी और 9:15 पे झपकी मारेगी और 9:30 टीवी के सामने से गायब हो जाएंगे, सारे दावे गायब हो जाएंगे। इस बार कौन से मुद्दे हैं जिन पे जनता वोट करेगी और क्या प्रतिशत मतदान का जो है वो बढ़ेगा? मुद्दा बड़ा साफ है, राष्ट्र निर्माण। अभी तिरंगा चंद्रयान पे फहराया है, भारत राष्ट्र गुरु बने, इस तरफ हमारा मुद्दा बहुत साफ है। वोट परसेंटेज बढ़ने की बिल्कुल, मैं सभी मानवों से अपील करता हूं, प्रार्थना करता है सेवक कि हम आज मतदान के महापर्व पर वोट कर देश निर्माण में सहयोग करें और मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएं। तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मतदान कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार देश में मोदी लहर है और विपक्ष बिखरा हुआ, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, यही वजह की जनता जो है उनकी पार्टी को इस बार आशीर्वाद देगी। साथ ही वो लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर भाग ले और आकर सभी लोग मतदान करें। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। तो तीसरे चरण का मतदान और किसका क्या कहना है ये आप सुन रहे हैं। और तीसरा चरण जिसमें कि मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, 9 बजे तक का वोट प्रतिशत क्या है ये भी आप समझ लीजिए कि भोपाल में कितना वोट डाला गया प्रतिशत और कितने वोटर्स गुना में पहुंच रहे हैं, 16.43% वोट अब तक 9 बजे के आंकड़े जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा 2019 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो सीट दर सीट ये समझने की कोशिश कीजिए कि कहां कितने प्रतिशत वोट डाले गए हैं अब तक 9 बजे तक, लेकिन धीरे धीरे वोट प्रतिशत बढ़ेंगे भी हमारे खास